sabe que Photoshop ni tin kin dem kamal ka chuke अगले दिन के लिए फसल चाहते हैं कहते भाई और जो फसल की किरण तो शानदार छोटा और मौसम शाह की जानब से बॉल मिस कर दी गई फिर मिस लेकिन फिर भी बॉलर की जानब से क्लैप अगली गेंद फजल पास चौथी गेंद लिखा गेंद करवाई शराज फिर मिस बैटिंग लाइन जो फ्रंट क्लब की जानब से खासी बुरी दिखाई दे रही है इस वक्त चलो पांचवी गेंद फजल शाह गेंद करवाई शराज की जानब से शॉट देखते हैं क्या होता है और ये बाउंड्री के पार गेंद अंपायर का इशारा चार रन्स जमशेद अगला ओवर करेंगे जमशेद बहुत ही शानदार स्टाइल के साथ अपनी पहली गेंद करवाने के लिए गेंद करवाई और ये फैसल फीक मिस कर दी फैसल फीक का सरजाज अहमद मसूद जो कि इस मैच के अंपायर हैं एक तरफ बहुत ही जमशेद फैसल फीक शानदार मैच केपीएल का दूसरा मैच अगली गेंद जमशेद उफसानी गेंद करवाई आगे फैसल फीक शानदार शॉट और लेग की जानी शानदार बाउंड्री छः रन के लिए छः रन हो चुके हम आराम से दौड़ा देंगे बहुत ही अच्छा शानदार जमशेद और सोनी गेंद करने के बाद गेंद करवाई फैसल फीक ने ये फिर गेंद मिस कर दी बहुत ही अच्छी गेंद करवाई है अंपायर डिसीजन ले रहे हैं फैसल फीक की जानब से कहा गया है कि ये वाइड है लेकिन लेग अंपायर का शिंजरा ने वाइड नहीं दी लेकिन अभी अंपायर दोनों डिसीजन कर रहे हैं और देखते हैं अख्तामी फैसला क्या होता है इनका और ये दिखा रहे हैं सरजाज अहमद मसूद और ये कुछ भी नहीं और ये एक वार्निंग के तौर पे इशारा कर दिया है जमशेद सोनी को अगली गेंद के लिए तैयार जमशेद बहुत ही स्टैमिना के साथ गेंद करवाई और शानदार शॉट खेली है देखते हैं क्या होता है और ये छः रन जोड़े अपनी टीम के लिए तमाशाई खासे कम दिखाई दे रहे हैं इस मैच में क्योंकि आज कुछ ही रोज़ हुए हैं केपीएल को स्टार्ट हुए तो इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर जो कि तमाशाइयों का एक रश होगा वो हम देखते हैं कि तमाशाइयों का रश इस कदर हो जाता है कि इंतज़ामिया को तमाशाई कंट्रोल करने में तकलीफ़ पेश आती है लेकिन देखते हैं अगली गेंद जमशेद सोनी गेंद करवाई और फैसल फीक और ये गेंद भी शानदार अगली गेंद ओह ये बहुत ही चांस है आउट होने का असद शाह कहता हूँ मैं गेंद और ये ओह कैच ड्रॉप कर दिया इस मैच में सिर्फ दो कैच उठे हैं एक फ्रंट क्लब की जानब से और दूसरा शाह क्लब की जानब से अब फजल शाह अगला ओवर खाने के लिए और कैच और आउट फजल फीक कोई खास रन नहीं हो सके अपनी टीम के लिए खास म्यूसी का शिकार पवेलियन की जानब लौटते हुए नेक्स्ट बैट्समैन हसन उर्फ चिफ्डी हसन बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं इसलिए के पी एल में अच्छी कारकर्दगी है इनकी ये फजल शाह अगली गेंद के लिए तैयार गेंद करवाई आगे हसन चिफ्डी अपनी पहली गेंद खाता खोल दिया छः रन तमाशाइयों और जोश आज इस मैच में जुहेब भाई बहुत ही मुश्किल का शिकार है न जाने क्यों फजल शाह अगली गेंद करवाई हसन की शानदार शॉट शायद दो रन हो जाएंगे लेकिन नहीं खालिद सदर के पास गेंद थी इसके पास बक्कर ने थ्रो की फजल की जानब बहुत अच्छा गेंद करवाई और शिराज की जानब से शॉट देखते हैं क्या होता है और ये अंपायर की जानब से छः रन का इशारा बहुत अच्छी अपनी जो कि रन रेट अच्छा करने में मसरूफ़ हैं और शायद इनका रन रेट अच्छा हो गया सलमान बॉस इस वक्त जो कि खेलते होते थे लेकिन अब अपनी फिटनेस की वजह से इस मैच में नहीं शरीक गेंद करवाई शिराज का बहुत अच्छा स्टाइल और ये गेंद मिस कोई स्टार्ट नहीं फजल अगली गेंद करवाई और ये बीट कर गए इनका खासा जो मशहूर हुआ था डांस पिछली दफ़ा केपीएल में जब ये चैम्पियन हुए थे
32 स्कोर्स के साथ। बत्तीस स्कोर हो चुकी है और ये मोहसिन शाह अपने ओवर के लिए तैयार हैं। देखते हैं दो ओवर में ये कितना कर सकते हैं। गेंद करवाई मोहसिन शाह, ओह बहुत ही अच्छी गेंद। 78 का टारगेट है और अभी 32 हुआ है और चौथे ओवर की एक गेंद गुजर चुकी है। ये आईपीएल वाला मामला नज़र आ रहा है यहाँ पे, डू और डाई। लेकिन हम तो पीएसएल की बात करेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान। गेंद करवाई, ओह किस्मत ही साथ नहीं दे रही। और ये कैच ड्रॉप, तीन कैच ड्रॉप हुए इस मैच में और बहुत अच्छी थ्रो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। वही चलो केपीएल की टीम मुकम्मल कवरेज कर रही है इस वक्त। गेंद करवाई मोहसिन अब्बास ने, गेंद बहुत ही शानदार शॉट, देखते हैं क्या होता है। मेरे तरफ शुड बी टेकन है और शुड बी टेकन टेकन इज, ये देख लें आज किस्मत साथ नहीं दे रही, डू और डाई का मसला ही होगा। बहुत ही अच्छा मैच, रोमांचक, दिलचस्प और एक डिफरेंट मैच जिसमें चार मैच कैच ड्रॉप हुए। दोनों अगली गेंद के लिए तैयार। गेंद करवाई और ये शानदार शॉट हसन की जानब से, देखते हैं क्या होता है। वकास गुज्जर और ये 6 रन, वकास गुज्जर तमाशाइयों में से कैच किया है उन्होंने। जुत्ती पाक रहमान के करीब ये ग्राउंड और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे वाके यहाँ पर खिलाड़ी, तमाशाई और कोई शोरगुल नहीं। केपीएल टीवी की जानब से नेक्स्ट मैच में एक पेशकश होगी, हम उम्मीद करते हैं कि वो पूरी हो जाए। अगली गेंद के लिए मौसम तैयार, गेंद करवाई और ये हसन की जानब से शॉट, देखते हैं किस्मत साथ नहीं दे रही लेकिन फिर भी अभी तैयार। और बीच पांचवा कैच इस मैच के दौरान, पांचवा कैच, किस्मत साथ नहीं दे रही। केपीएल टीवी की शानदार पेशकश है जो कि लाइव दिखा रहे हैं मौसम की अगली गेंद। और ये टॉवर है असद, गेंद करवाई शिराज की जानब से, शानदार शॉट, 6 रन। फैसल रफीक मुद्दा लग रहा है, फैसल रफीक कैसे देख रहे हैं इस मैच की सूरत हाल? सर दुआ करें जीते। चलो डू और डाई यही बात है, सही थी। ओह किस्मत ही माड़ी, देखते हैं क्या होता है। और ये फिर कैच ड्रॉप, आज गेंद में कुछ मैग्नेटिक पावर नजर आ रही है जो कि प्लेयर्स के हाथों में गेंद टिक नहीं पा रहा। ऐसा नजर आ रहे हैं कि फ्रंट क्लब अपना दूसरा मैच हार जाएगी, तो देखते हैं दूसरा मैच हार जाएगी। पहला मैच जीतने के बाद दूसरा मैच हार जाएगी, आसार नजर आ रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा गेंद करवाई जिशान और ये फिर किस्मत जो साथ नहीं दे सकती, कैच ड्रॉप। चलो शाह जी बहुत ही शानदार जो स्कोर कर रहे हैं अपनी टीम को और बहुत ही इंतहाई खुश मिजाज में, और इस तरफ आ जाते हैं कैसर शाह अगली बॉल कराने के लिए बिल्कुल तैयार, बहुत ही जोश के साथ क्योंकि जीत की खुशी। और ये गेम जी चलो फजल अब्बास शाह जो कि पिछली दफ़ा भी केपीएल में मशहूर हो गए थे एक इस वजह से कि ये जीत गए थे, चैंपियन बन गए थे, और दूसरा इनका जो ग्राउंड में घूम के डांस करने का अंदाज था वो एक निराला था। असद शाह गेंद करवाने के लिए तैयार, गेंद करवाई और अब क्या कुछ भी नहीं किया जा सकता, फ्रंट क्लब अपना दूसरा मैच हार ही जाएगी। वन लास्ट गेंद है इस पूरे मैच की, इस पूरी इनिंग्स की, जिसमें शाह क्लब को बर्तरी हासिल हो गई है और सिर्फ एक रस्मी गेंद रह गई है जो से शाह करवाने लगे हैं। गेंद करवाई और बहुत ही अच्छा अपना मैच जीत गए शाह क्लब। चलो
जिस मैच में शाह क्लब जो के इस मैच में जीत चुके हैं और अपने दो मैच जो के ग्रुप के दो मैच जीत चुके हैं, और इसके अलावा जो फ्रेंड क्लब है जो पिछली दफ़ा चैंपियन क्लब खेल रही थी, लेकिन इस दफ़ा वो अपना पहला मैच जीतने के बाद आज का मैच हार चुकी है।